नमस्कार, मैं बीनू राय एक बार फिर स्वागत करती हूँ अपने चैनल बीनू राय फैमिली में। आज की वीडियो में मैं आपको एलोवेरा जेल के बारे में बताने वाली हूँ। एलोवेरा जेल सभी जानते हैं, आजकल चाहे गाँव हो चाहे शहर, हर जगह इसलिए अवेलेबल भी है। और हम जानते हैं कि अपनी झुर्रियों को हटाने के लिए, पिंपल्स को हटाने के लिए, स्किन को हेल्दी बनाने के लिए हम एलोवेरा जेल का यूज़ करते हैं। लेकिन एलोवेरा जेल को अपने मेकअप प्रोडक्ट्स के बदले कैसे यूज कर सकते हैं आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। क्योंकि ज़रूरी नहीं कि हमारा इतना बजट हो कि हम हर टाइम इतना सारा मेकअप प्रोडक्ट अपने पास रखें और यूज़ करें, और उसके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन ये एलोवेरा जेल है। हम एक एलोवेरा जेल को बहुत सारे मेकअप प्रोडक्ट्स की जगह यूज कर सकते हैं, मेकअप प्रोडक्ट्स की जगह रिप्लेस कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके बाद वो जो घंटी आती है उसे ज़रूर दबाइएगा ताकि मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो उसका मैसेज आप लोगों के पास चला जाए। और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा। एलोवेरा जेल कोई भी ले लीजिए आप, ये नहीं कि हाँ इसी कंपनी का लेना है, वाव का भी अच्छा आता है। आजकल बहुत सारी कंपनी ने एलोवेरा जेल बनाना शुरू कर दिया है, तो आपको जो इजली अपने अगल बगल अवेलेबल हो वो एक एलोवेरा जेल अपने पास रखिए। पहला यूज इसका, अगर आप मेकअप करना है तो वैसे भी सभी जानते हैं मेकअप करने से पहले मॉइस्चराइजर की ज़रूरत बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि जब भी हम फाउंडेशन या फिर कॉम्पैक्ट जो भी लगाते हैं उससे पहले अगर हम अपने फेस को मॉइस्चराइज नहीं करेंगे तो हमारा जो फाउंडेशन है वो या जो कॉम्पैक्ट हम लगाते हैं वो ऐसे पैची या फिर केकी दिखेगा, जैसे वाइट वाइट यहाँ यहाँ पे धब्बे पड़ जाते हैं, नॉर्मली देखा होगा आप लोगों ने। तो जब भी आप मेकअप करने से पहले पहले फेस को वॉश कर लीजिए, धो के अच्छे से सुखा के उसके बाद एलोवेरा जेल लगा लीजिए, 5 मिनट तक छोड़ दीजिए। उसके बाद फिर आप कोई भी मेकअप अपने चेहरे पे लगाइए। इसको आप एज ए प्राइमर भी लगा सकते हैं। प्राइमर क्या होता है, जैसे मेकअप से पहले हम प्राइमर यूज़ करते हैं जब कहीं जाना होता है बाहर, नॉर्मली पार्टी है या फिर फंक्शन है, शादी है, तो हम हैवी मेकअप उस टाइम पे करते हैं तो हमें प्राइमर की ज़रूरत पड़ती है। प्राइमर लगाने से जो हमारे रोम छिद्र होते हैं, ओपन पोर्स जिनको बोलते हैं, वो हमारे कम हो जाते हैं और स्किन एकदम स्मूथ हो जाती है। तो अगर हम कोई भी फाउंडेशन या फिर कॉम्पैक्ट लगाते हैं तो वो हमारा बहुत अच्छा उभर के आता है और बहुत देर तक टिकता है, इसलिए हम प्राइमर लगाते हैं। तो प्राइमर आपको अगर नहीं अवेलेबल है या फिर आपके बजट में नहीं है, क्योंकि फिर हम रोज़ तो शादी होती नहीं है, रोज़ पार्टी होती नहीं है, और एक बार ख़रीद लिया तो फिर 1 साल 6 महीने 2 महीने बाद ही हम नॉर्मली अगर नहीं कहीं बाहर जा रहे हैं तो मेकअप इतनी हैवी मेकअप की जरूरत शादियों में ही पड़ती है, तो फिर वो एक्सपायरी हो जाती है, बेकार हो जाती है। उसके लिए भी बेस्ट है ये, आप एलोवेरा जेल ले लीजिए एक मटर के दाने इतना, और थोड़ा ज़्यादा अगर ज़्यादा ही लेना है थोड़ा ज़्यादा ले लीजिए, और गले से लेके फेस पे अच्छे से लगा के 5 मिनट छोड़ दीजिए। उसके बाद आप फाउंडेशन लगाइए, कॉम्पैक्ट लगाइए, जो भी लगाना है लगाइए। और अगर आप इसको एज ए मेकअप रिमूवर यूज़ करना चाहते हैं तो कोकोनट ऑयल आप मत यूज़ किया करिए मेकअप निकालने के लिए या फिर अपने फेस के लिए। क्योंकि आप खुद ही सोचिए कि अगर जिस चीज़ से हमारे बालों के हेयर की ग्रोथ इतनी अच्छी होती है तो अगर हम वो अपने फेस पे लगाएंगे तो हमारे जो फेसियल हेयर होते हैं, अपर लिप्स या फिर यहाँ यहाँ पे बहुत सारे, क्या वो ग्रोथ नहीं करेंगे? हम इतना तो सोच ही सकते हैं। अक्सर सभी कहते हैं कोकोनट ऑयल फेस के लिए अच्छा होता है, स्किन के मैं मानती हूँ स्किन के लिए फेस के लिए अच्छा होता है, लेकिन हेयर को भी तो अगर हेयर ग्रोथ करेगा तो हर जगह के हेयर को ग्रोथ करेगा, तो इसलिए आप कोकोनट ऑयल नहीं लगाया करिए। उसकी जगह ये आप ले लीजिए थोड़ा सा, इसमें थोड़ा सा बादाम तेल डालना है तो डाल लीजिए, और थोड़ा ज़्यादा ही लेके अच्छे से अपने जब भी कहीं से आते हैं पार्टी से, जब बाहर से जब भी आप आए लेके अच्छे से लगाइए, और फिर उसको पोंछ के फिर चेहरा धो लीजिए, उसके बाद फिर से लगा लीजिए ये, और लगा के आप सो जाइए। आपके स्किन में कोई भी रिंकल्स नहीं आएंगे, एकदम ग्लो रहेगा स्किन, सबसे अच्छा एंटी एजिंग है ये। और अगर आप सीरम की तरह इसको यूज करना चाहते हैं तो रात के को सोते टाइम थोड़ा सा इतना एलोवेरा जेल ले लीजिए, उसमें 2 ड्रॉप्स ग्लिसरीन मिला लीजिए और 2 ही ड्रॉप्स आप
ये बादाम का तेल है, रोगन बादाम जो कहते हैं, पतंजलि का है ये, आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं, ले लीजिए। और दो सब हाथ में लेके ऐसे ऐसे करके चेहरे पे लगा लीजिए। ये एज ए सीरम भी बहुत अच्छा काम करता है, आपकी स्किन एकदम फ्लेवलेस बनाता है और ग्लो जो लाता है आपके स्किन पे वो अलग ही 3-4 दिन में आपको दिख जाएगा। तो एज ए सीरम भी इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको फेसियल क्रीम नहीं मिल रही है, अगर आप पार्लर नहीं जाना चाहते, तो उसके लिए भी ये बेस्ट है। आप एलोवेरा जेल ले लीजिए, उसमें थोड़ा सा जो है गुलाब जल मिला लीजिए, थोड़ा सा कोई भी बादाम का या ऑलिव ऑयल जो भी आपके पास हो लेके उसको अच्छे से चेहरे पे लगाइए। 5 मिनट तक बढ़िया से मसाज कीजिए, जैसे फेसियल पार्लर में जाके करवाते हैं आप। और उसके बाद 10 मिनट तक उसको ऐसे ही छोड़ दीजिए, देखेंगे आपकी स्किन जो है एकदम हाइड्रेट हो जाएगी जब वॉश करके आएंगे। तो ये एज ए फेशियल क्रीम भी यूज़ कर सकते हैं। और बालों के लिए आप, अगर मान लीजिए आपके पास सीरम नहीं है या सीरम आपके बाल बहुत फिजी हैं, ड्राई हैं, तब भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। आप किसी एक बाउल ले लीजिए, उसमें थोड़ा 1 चम्मच एलोवेरा जेल और थोड़ा सा गुलाब जल और 2-3 ड्रॉप बादाम का तेल डालिए और उसको पानी में डाल के थोड़ा सा शेक कर हिला के और एक स्प्रे बॉटल में रख दीजिए। जब भी आप हेयर वॉश करके आते हैं उसको हल्का सा बस थोड़ा सा 2-3 पंप करके हेयर पे मारिए और वो उसके बाद सुलझाइए। देखिए आपके हेयर एकदम स्मूथ और सिल्की दिखेंगे, फिज जो आपके ड्राइनेस है हेयर की वो भी चली जाएगी। और अगर आपके बाल बहुत ड्राई हैं तो हफ्ते में एक बार एलोवेरा जेल को, जो भी आपके पास ऑयल हो आपको मिल जाए आपके बजट में हो, उसके साथ मिला के लगाइए। हफ्ते में एक दिन लगाइए, उसके बाद आपके बाल की जितनी भी ड्राइनेस है, जितनी सारी प्रॉब्लम है, सारी खत्म हो जाएंगी। तो आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करिए। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।